दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। दोस्तों ये 10 स्टैंजास की पोएम है जिसमें 8-8 लाइनों के स्टैंजा हैं। ये पोएम जो है ये विलियम बटलर यीट्स ने 1919 में लिखी थी और 1921 में इसको पब्लिश करवाया था दोस्तों। और ये जो पोएम है ये माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर नाम की कलेक्शन में पब्लिश हुई थी दोस्तों। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पोएम है, इसमें जो लैंग्वेज है वो समझने में थोड़ी सी हार्ड है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छे से अच्छे समझाने की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यीट्स ने इस पोएम को 1919 में लिखा था और 1921 में इसको पब्लिश करवाया था। ये पोएम उन्होंने अपनी बेटी एनी के लिए लिखी है दोस्तों। जब वो थूर बिलायली में एक टावर पर रह रहे थे, उस वक्त दोस्तों एंग्लो आयरिश वॉर चल रहा था। उस वक्त इनकी बेटी हुई जिसका नाम था एनी। अब उसके पैदा होने के 2 दिन बाद यीट्स ने इस पोएम को कंपोज किया। ये पोएम 10 स्टैंजा की है और हर एक स्टैंजा में 8-8 लाइनें हैं। ये पोएम बताती है कि यीट्स अपनी बेटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो बड़ी होकर कैसी बनेगी, क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इनकी बेटी इनकी क्रश मॉन्टगोमरी की तरह तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो पोएम बहुत लंबी है, मैं शुरू करता हूँ। वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, एक बार फिर से बाहर ये तूफानी रात है, तूफान गरज रहा है। एंड हाफ हेड अंडर द स्क्रेडल हुड एंड कवर लेट माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। इस लाइन का मतलब ये है कि मेरी बेटी, ये क्रेडल का मतलब होता है दोस्तों पालना, मेरी बेटी आधी ढकी हुई उस पालने में सो रही है। वो पालना, वो क्रेडल उसकी प्रोटेक्शन है, वो बहुत छोटी बच्ची है, बाहर तूफान चल रहा है, तो देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल, उस तूफान को रोकने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, रोड़ा नहीं है। बट ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल, सिर्फ 2 चीज़ें उस तूफान को रोक सकती है। लेडी ग्रेगरी जो कि येट्स को बहुत सपोर्ट करती थी, उनकी बात की है यहाँ पर, वो और वन बेयर हिल उसको रोक सकते हैं। उस तूफान के रास्ते में 2 ऑब्स्टिकल हैं, सिर्फ ये 2 ऑब्स्टिकल हैं। Here by the haystack, the roof leveling wind. इस लाइन का मतलब ये है कि ये तूफान इतना बड़ा है। Haystack का मतलब घास का, सूखी घास का ढेर, सूखी घास के ढेर और घर की छत के लेवल के बराबर हवा चल रही है, इतना बड़ा तूफान है ये। Red on the Atlantic can be stayed, मतलब कि ये तूफान की नस्ल लग रही है कि ये अटलांटिक से आया है और इस तूफान को सिर्फ यही 2 चीज़ें रोक सकती है। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड, मैं 1 घंटे से यहाँ वहाँ चल रहा था, प्रेयर कर रहा था। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज़ इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में ग्लूम है, उदासी है, उसके चलते बहुत ग्रेट ग्लूम है मेरे दिमाग में, उसकी वजह से मैं यहाँ वहाँ चल रहा था, प्रेयर कर रहा था। आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से यहाँ वहाँ चलता रहा और इस चाइल्ड के लिए प्रे करता रहा। एंड आई हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, और मुझे आवाज़ें आ रही थी सी विंड की, स्क्रीमिंग की आवाज़ें आ रही थी टावर की तरफ, जिस टावर पे इस वक्त यीट्स रह रहे हैं। एंड अंडर द आर्चेस ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के अंडर आर्चेस से मैंने उन आवाज़ों को सुना। एंड स्क्रीम इन द एल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, मतलब फ्लडेड स्ट्रीम्स में, नदियों में जो एल्म्स ट्री हैं वहाँ भी इन आवाज़ों को सुना। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक्साइटेडली, दिन में सपने देख रहा हूँ, रेवरी का मतलब दिन में सपना देखना। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, फ्यूचर ईयर्स के बारे में जो आ चुके हैं। Dancing to a frenzied drum, ये frenzied drum बज रहे हैं। Out of the murderous innocence of the sea, ये sea जो बहुत innocence है लेकिन murderous भी है, कहने का मतलब ये sea के अंदर तूफान से पहले की शांति है, time बहुत ख़राब आने वाला है। और आगे वाली लाइनों में बोलते हैं, May she be granted beauty, but yet not beauty to make a stranger's eye distraught. कहने का मतलब ये ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि मेरी बेटी को ब्यूटी तो ग्रांट करना, ब्यूटी तो उसे देना, लेकिन इतनी भी मत देना कि कोई स्ट्रेंजर, अगर कोई अनजान आदमी उसे देखकर डिस्ट्रॉट यानी कि उतावला हो जाए, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाए।
और हर्ट्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास, या फिर इतनी ब्यूटी भी मत देना कि वो बस सारा दिन आईने के सामने ग्लास के सामने बैठी रहे। फॉर सच बींग मेड ब्यूटिफुल ओवर मच, मतलब खुद को ब्यूटिफुल और बनाती रहे, या फिर उसे ऐसी ओवर मच ब्यूटी भी मत देना कि वो समझने लगे कंसिडर ब्यूटी एज सफिशियंट एंड, ब्यूटी को ही अपना सफिशियंट एंड समझने लगे। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी द हार्ट रिविलिंग इंटीमेसी, वो अपनी नेचुरल काइंडनेस खो बैठे इस ब्यूटी के चक्कर में आकर, और हार्ट रिविलिंग इंटीमेसी का मतलब अपनी इनर ब्यूटी को खो दे, एक तरह से अपनी इनर ब्यूटी को खो दे जो कि दैट चूजेज राइट, जो कि एक अच्छा दोस्त ढूंढने में मदद करते हैं इंसान की, वो चीज़ को खो दे एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और हो सकता है इस चीज़ की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में कोई दोस्त ही ना मिले, तो ऐसी ब्यूटी भी उसको मत देना। अब आगे वाले स्टैंजा में दो एग्जांपल्स देते हैं पोएट। हेलन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, हेलन वो ट्रोजन वॉर वाली हेलन, उसको भी एक डल और फ्लैट लाइफ मिली थी, मतलब वो खुश नहीं थी अपनी लाइफ से, एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। यहाँ पे फूल दोस्तों पेरिस को कहा गया है जो हेलन को भगा के ले गया था, और बाद में जब वो एक फूल के साथ भागी तो और ज़्यादा ट्रबल्स का सामना उसको करना पड़ा, और ज़्यादा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ा। और दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जिनका जन्म हुआ था समुद्र की स्प्रे से, मतलब समुद्र के झाग से। बीइंग फादरलेस, तो वो फादरलेस थी, कुड हैव हर वे, मतलब वो अपना खुद का रास्ता खुद ही चूज कर सकती थी। चोज अ बैंडी लेगेड स्मिथ फॉर मैन, तो उसने खुद के लिए एक बैंडी लेगेड मैन को चुना। ये दो एग्जांपल्स देकर इट इज सर्टन दैट फाइन वुमेन ईट अ क्रेजी सैलड विद देयर मीट, मतलब एक खूबसूरत वुमेन जो होती है वो क्रेजी सैलड खाती है विद देयर मीट। वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन, मतलब कि वो अपनी प्रॉस्पेरिटी खो बैठती है। येट्स यहाँ पर अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं, इन कर्टसी आईड हैव हर चीफली लर्न, कि मैं चाहूँगा मेरी बेटी कर्टसी मतलब डिसिप्लिन भी सीखे। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट, कि हार्ट्स दिल जो होते हैं वो गिफ्ट में नहीं मिलते, हार्ट्स आर अर्न, उनको कमाया जाता है बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटिफुल, और ये काम वही कर सकते हैं जो एंटायरली ब्यूटिफुल नहीं होते, जो पूरी तरह से ब्यूटिफुल नहीं होते। येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ, इसका मतलब ये है कि फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर ब्यूटी के पीछे भागे हैं लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। हैज चार्म मेड वाइज, और एंड में उनकी ब्यूटी ने ही उनको अक्ल दी। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैज रोव्ड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, मतलब कई सारे ऐसे पुअर लोग होते हैं जो प्यार पाने के लिए खूब भटकते हैं खुद को बिलव्ड समझकर, लेकिन अगर आगे बोलते हैं फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, वो भी अगर किसी काइंड हार्टेड पर्सन से मिलते हैं तो अपनी नज़रें हटा नहीं सकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है येट्स का कि प्यार पाने के लिए ब्यूटी नहीं काइंडनेस ज़रूरी है। आगे बोलते हैं मे शी बिकम अ फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थाट्स मे लाइक द लेनर्ड बी, इसका मतलब ये है कि एक फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री के अंदर एक लिनट बर्ड होती है जो आकर गाना गाती है, जिसकी आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन वो बर्ड खुद दिखाई नहीं देती। तो इसी की तरह, तो आगे वाली लाइन में वो यही बोल रहे हैं कि एंड हैव नो बिजनेस, कि लिनट बर्ड के पास कोई और काम नहीं होता बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्नानिमिट्स ऑफ साउंड, कि वो अपना साउंड जो है वो चारों तरफ फैलाती रहती है, बस उसको यही काम रहता है। नॉर बट एंड मैरिमेंट्स बिगिन अ चीज नॉर बट एंड मैरिमेंट अ क्वायल, कहने का मतलब ये है मेरी बेटी का नेचर ज़्यादा हल्का फुल्का भी नहीं होगा, ज़्यादा मजाकिया टाइप का, या फिर ज़्यादा झगड़ने वाला भी नहीं होगा। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरल, वो लॉरल ट्री की तरह होगी रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, मतलब वो एक ही जगह पर उसकी जड़ें होंगी, ज़्यादा भटकने वाला दिमाग नहीं होगा उसका। आगे वाली लाइनों में येट्स बताते हैं माई माइंड, मेरे माइंड ने बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, जिन लोगों के माइंड से प्यार किया,
दैट सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, और जिस तरह की ब्यूटी को मैंने अप्रूव किया, वो मॉन्टगोमरी की बात कर रहे हैं, प्रॉस्पर बट लिटल, वो ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं थी, हैज़ ड्राइड अप टू लेट, जो कि ऊपर उठ सके, येट नोज दैट टू बी चॉक विथ हीट मे वेल बी ऑफ ऑल इवल चांसेस चीफ। इस लाइन का मतलब ये है, अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हो कि उसका दिल नफ़रत से भरा हुआ हो, क्योंकि फिर ये चांस रहते हैं कि सारी बुराइयां हम पर अटैक कर दे। इफ़ देयर इज़ नो हेट्रेड इन अ माइंड, अगर किसी दिमाग में नफरत ना हो, असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड, तो तेज़ हवा और तूफान भी कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, उस लिनेट को उस पेड़ की पत्ती से गिरा नहीं सकते, उस गाने वाले लिनेट को पेड़ की पत्ती से गिरा नहीं सकते। ये वो बोलते हैं एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज़ द वर्स्ट, कि एक इंटेलेक्चुअल हेट्रेड जो होती है वो सबसे ख़राब होती है। तो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स्ड, इसका मतलब ये है कि इसको खुद ही ये समझना होगा कि लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं और उनसे हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उन ओपिनियंस से हमें खुद पर नहीं लेने चाहिए वो ओपिनियंस। आगे वाले लाइनों में येट्स एक सवाल पूछते हैं, हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमन बॉर्न, इसका मतलब ये है कि क्या मैंने कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी। यहाँ पर मॉन्टगोमरी की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जो कि बहुत ही सही जगह पैदा हुई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड, मतलब उसके आसपास सराउंडिंग में जैसे लोग थे ओपिनियनेटेड माइंड जिन्होंने बार्टर्ड दैट हॉर्न, उसकी प्रॉस्पेरिटी को उससे ले लिया, उस हॉर्न को ले लिया, एवरी गुड थिंग, मतलब हर एक अच्छी चीज़ उससे ले ली, बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड, कहने का मतलब और एंड में उसे किस टाइप का आदमी मिला जो बिल्कुल ही एंग्री था, जो उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। आगे वाली लाइनों में येट्स बोलते हैं, कंसिडरिंग दैट, और जब हम ये कंसिडर करें, ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंड्स, जब सारी नफरत हमारे दिमाग से निकल जाती है, द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो हमारी सोल रेडिकल इनोसेंस को रिकवर करती है, एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अफ्राइटिंग, ये सब क्वालिटीज हमें लास्ट में पता चलती है उस इनोसेंस की, एंड दैट इट्स ऑन स्वीट विल इज हेवन्स विल, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक इनोसेंस माइंड की विल ही हेवन की विल होती है, हेवन मतलब गॉड, गॉड की मर्जी होती है, एक इनोसेंट माइंड की मर्जी ही गॉड की मर्जी होती है। शी कैंड दो एवरी फेस शुड स्कॉल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हॉल और एवरी बेलोज बर्स्ट बी हैप्पी स्टिल, कहने का मतलब ये है, तो येट्स की डॉटर हर सिचुएशन को फेस कर सकती है, स्कॉल यानी कि गुस्से को, एवरी विंडी क्वार्टर हॉल को मतलब चारों तरफ सिचुएशन जब बिगड़ी हुई हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो खुश रह सकती है, एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, यहाँ पर येट्स बोलते हैं कि जब मेरी बेटी की मेरी डॉटर की शादी होगी तो वो ऐसे घर में वो शादी उसको लेकर जाएगी, वेयर ऑल्स अकस्टम्ड सेरेमोनियस, कहने का मतलब जहाँ पर कस्टम्स को ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाएगा, सेरेमोनियस घर में उसकी शादी होगी, फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ड इन द थॉरोफेयर्स, कहने का मतलब ये है कि एरोगेंस और हेट्रेड मतलब घमंड और नफरत तो दुनिया के हर एक थॉरोफेयर्स मतलब कॉमन पाथ पर, हर एक कॉमन जगह पर रास्ते में मिलती है, हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉन्ड, लेकिन कहने का मतलब जहाँ कस्टम और सेरेमनी होती है वहाँ पर ही इनोसेंस और ब्यूटी पैदा होती है, सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री, सेरेमनी में ही प्रॉस्पेरिटी पैदा होती है और जहाँ कस्टम होता है वहीं लॉरल ट्री भी ग्रोथ करता है। तो आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।